हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल द गैलेंट हॉबी शो। आज हमारे साथ है राहुल जी, जो कि हमारे गैलेंट के पेंटिंग हेड हैं। जो भी पेंटिंग से रिलेटेड वर्क होता है सब राहुल जी करते हैं। अपने बारे में पहले आप बताइए। हाय जी, मैं राहुल, मैं पेंटिंग के बारे में पेंट का सारा काम करता हूँ। आप किस किस तरह का प्रोजेक्ट करते हैं? आपको गैलेंट से क्या क्या प्रोजेक्ट मिलता है, किस किस टाइप का करते हैं? इंटीरियर का काम करते हैं, एक्सटीरियर हो या ऑफिस वगैरह हो, कुछ भी काम हो मैं काम करता हूँ। मतलब किस किस तरह का प्रोजेक्ट आप उठाते हैं? ऐसा कुछ कि छोटे प्रोजेक्ट्स नहीं उठाते या बड़े ही सिर्फ उठाते हैं? लाइक मैम, हम बिग मेटल काम करते हैं, और वो छोटा भी काम हो या बड़ा काम हो मैं सारा काम उठाता हूँ। ओके, और एक क्वेश्चन ये था कि क्या आप लेबर भी प्रोवाइड कराते हैं? जी नहीं, हम बिग मेटल ही काम करते हैं। सो आप राहुल जी ये बताइए कि पेंट्स में कौन कौन से ऐसे पेंट्स हैं जो आजकल ज़्यादा ट्रेंड में है, ये लोग ज़्यादा करवा रहे हैं? आजकल पेंट जो चल रहा है, रॉयल का पेंट चल रहा है, एशियन का पेंट चल रहा है, डुलक्स का पेंट चल रहा है, बर्जर का पेंट चल रहा है, नेरोलैक का चल रहा है। आप वो डिपेंड करता है क्लाइंट के ऊपर, कैसा वो पेंट कराना चाहते हैं। पेंट जिस तरीके से अगर ओनर बोलते हैं या ऑफिस वाले बोलते हैं कि हमें इस टाइप का पेंट चाहिए, तो हम उस प्रकार का पेंट उनको करके देते हैं। अच्छा, और मतलब जो थीम है आपकी, बेसिकली लोगों में ये डर होता है कि अगर वो पेंट कराते हैं, अगर वो स्किल्स ना हो, उनको चीज़ें ना आए अच्छे से, तो पता नहीं पुट्टी एंड लाइक वो झड़ने का, और बहुत से मतलब इशू आता है, लोगों के मन में डर होता है। तो आप क्या श्योरिटी देना चाहेंगे? नहीं, हम उसके बारे में ये होता है, जहाँ पे जिस प्रकार का ज़रूरत होता है उस प्रकार से हम पहले समझाते हैं, उसके बाद उनको तरीके से बताते हैं। तरीका बताने के बाद अगर वहाँ पे वाटर प्रूफिंग की ज़रूरत है या किसी चीज़ की ज़रूरत है, तो पहले हम सलाह दे के उनको वो काम कराने के बाद प्रॉपर तरीके से स्मूथ करके फिर पुट्टी पेंट का प्रोसेस शुरू करते हैं। ओके, राहुल जी, जो आजकल एक प्रॉब्लम चलती है, वैसे तो जब नया घर होता है तो पेंट करना ईजी हो जाता है, बट जब कहीं लोग रह रहे हैं, फैमिली रह रही है, तो आप मुझे ये बताइए कि आप सिर्फ ऐसे फ्लैट्स पर पेंट करना पसंद करते हैं जो न्यू होती है, जो खाली होते हैं, या जहाँ रहते हैं वो दोनों भी? दोनों प्रकार का पेंट करना करते हैं। और जैसे अगर कोई फ्लैट में ओनर या फ्लैटियर या कोई भी रहते हैं, तो हम उसको रूम बाय रूम शिफ्ट करके काम करते हैं, उसको उनके सामान को कवर करके पोलोथीन वगैरह से कम्प्लीट, उसके बाद प्रोसेस से काम होता है। वो जिस प्रकार का या कोई भी पेंट होगा, वो पुट्टी के बेस से तैयार होना है, वो ओनर के ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे करवाना है मेरे को। अगर वो बताते हैं कि मेरे को पुट्टी समेत करना है या ऐसे करना है या किस तरीके से काम करना है, तो उस तरीके से हम काम करते हैं उनके। और कितने टाइम से आप हैं इस फील्ड में पेंटिंग के? मैम, मेरे को तो 12 साल करीब हो गया। तो गाइज, अगर आपको पेंटिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं, और अगर आप बहुत से ऐसे क्वेश्चन होंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो भी राहुल जी के साथ लेकर आऊँगी। सो राहुल जी, आप गैलेंट के साथ कितने टाइम से जुड़े हुए हैं? जी, हम काफ़ी सालों से जुड़े हुए हैं, इस कंपनी के साथ काम भी कर रहे हैं, और उनमें कई तरीके के काम होते हैं, जैसे नॉर्मल और वैसे विदाउट नॉर्मल, या जिस तरीके से काम कराना चाहते हैं क्लाइंट वगैरह, उस तरीके से हम सब कंपनी का काम करते हैं। बहुत अच्छा है। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऐसे बहुत से इंटरव्यूज़ के लिए और ऐसे नॉलेज भरी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल द गैलेंट हॉबी शो को सब्सक्राइब कर दें।